राम राम। समय मैं हूं प्रिया मयंक और और आपका आपका स्वागत स्वागत है है आपके आपके फेवरेट फेवरेट चैनल चैनल ब्रोसेस ब्रोसेस रिएक्शन रिएक्शन में। में। सो सो गाइस गाइस आज आज हम हम रिएक्ट रिएक्ट करने करने वाले वाले V10 V10 की की सॉन्ग 23 पे। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके उसके बाद बाद डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। सो सो लेट्स लेट्स गेट गेट स्टार्टेड। उसकी गानों की वाइब सीरियसली अलग ही रहती है। जब म के गर्ने सोचिरहेको थिएँ, आफन्त साथीभाइ खोजिरहेको थिएँ, दुनियाँमा सम्बन्ध जोडिरहेको थिएँ, थुक्दैछ आफन्त परिवारले, कुकुरको जिन्दगी भोगिरहेको थिएँ, चल्दैथे म आफ्नै तरिकाले, बानी लागेको थियो गोटी खाने, रक्सीको नसामा गन्डे हाने, बुढीलाई दसचोटि सरी मागे, मैले झुटो कसम पनि खाथे, गल्ती म गर्दिन भनिरहेको थिएँ, तर फेरि त्यही गल्ती नै गरिराखे, गुलाबको फुल जस्तो कमलमा मुटुलाई टेर्दैछ पीडाको असिनाले, विश्वासै लाग्दैन केही पनि, त्यही पनि मरेको आत्मालाई बत्ती बाले, आखिर केही छैन मरिन खोजिरहेछ गाइस। ये था सॉन्ग और इस सॉन्ग के मतलब बहुत सारे सजेशन आ रहे थे कि आप V10 के इस गाने के ऊपर रिएक्शन लेके आइए। और लिटरली मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि ये बंदा मतलब कुछ हटके ऐसी जैसी जिस तरीके से जो म्यूजिक जो इस गाने के अंदर चल रहा था, जो म्यूजिक की जो वाइब आ रही थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी सीरियसली। और साथ में इस बंदे का रैप, इस बंदे का फ्लो, लिटरली इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और जो लुक रहता है इसका, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का वीडियो बनाता है। और अगर इस वीडियो की बात करूं तो जो इस वीडियो का जो प्रोडक्शन लेवल है, लिटरली पैसा खर्च होता है इनके वीडियो के ऊपर और वो दिखता भी है। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे ये वीडियो भी बनाता है, म्यूजिक भी बनाता है, लिरिक्स भी लिखता है, गाता है और लिटरली परफॉर्म भी करता है। हाँ। तो ओवरऑल इसका गाना सुनने में मतलब मजा पड़ा था। और कभी कभी मुझे स्टैनी वाली वाइब इसमें सुनने को भी मिलती है कि जो म्यूजिक रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे दोनों का थोड़ा एक जैसा लगता है। हाँ। ये रैपर है और हमें कई जगह पे काफी सारे लोगों की वाइब इसमें आनी आनी है, क्योंकि रैप करते हैं बहुत ही ज्यादा कमाल और इतना ज्यादा ऐसे लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रो है इनका, जिस तरह ये इन्होंने रैप लिखा या रैप किया है बहुत डीप, मतलब जो इनके लिरिक्स आप सुनोगे ना आराम से सुनोगे। बाकी मुझे एकदम से ऐसे समझ में नहीं आती कि ये पूरी मतलब वही हिंदी में वो ये गाते हैं, नेपाली में गाते हैं, तो थोड़ा कैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम लिरिक्स इसके देखते हैं तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे और कितना डीप ये गाना लिखते हैं सीरियसली। एक बार में बंदा जो नॉर्मली लैंग्वेज नहीं समझता वो इस गाने को समझ ही नहीं पाएगा। अगर आपको हमने ये दूसरा ट्रैक सुना है और सीरियसली इतना ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है ना, और इतना काफी कमाल लग रहा है कि हाँ भाई ये सच में, जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई V10 डोप है, मतलब सीरियसली और जिस तरह का वाइब आता है और जैसे जैसे हम इसको सुन रहे हैं ना, तो हमें इसके और भी जो अच्छे अच्छे गाने वो सुनने का वो मन में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड
ये रैपर है और सीरियसली नेपाल से है, तो इनको और भी आगे आना चाहिए, इनको और भी बहुत सारे गाने लेके आने चाहिए, बहुत सारा काम करना चाहिए। बाकी इस गाने की बात करूँ तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही आप हमें इनके जो अच्छे अच्छे गाने, जो लिटरली बहुत खतरनाक गाने, वो हमें सजेशन दीजिए कमेंट में, हम उसके ऊपर रिएक्शन लेके जरूर आएंगे। सो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे मिला इतना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।